बड़ी मियाँ छोटी मियाँ 2 यानी कि BMCM 2 रिलीज हो चुकी है थिएटर के अंदर और मैं उसको देख के आ चुका हूँ। और भाई कहीं कहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ के थिएटर एकदम फुल थे। तो मूवी के स्टार्टिंग में तो हमें अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ का बॉन्ड दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही सही था। यहाँ पर उन दोनों की बॉन्ड की यहाँ पर हमें तारीफ करनी पड़ेगी, काफी अच्छा बॉन्ड था। हमें यहाँ क्योंकि मिशन एंड यहाँ वहाँ किसी टाइम पास दिखाए जाते हैं। एंड फर्स्ट हाफ अंदर मूवीज थोड़ा सा बोर आपको करती है, एंड आप सोचते हो कि यार कब इंटरवल आए, कब इंटरवल आए। लेकिन इंटरवल से पहले ही ये लोग ऐसी चीज, ऐसा सस्पेंस डाल देते हैं कि भाई यार फिर मन सोचता है कब इंटरवल खत्म होगा। भाई साहब पृथ्वीराज शिवकुमारम चुम्मेश्वरी एक्टिंग, चुम्मेश्वरी भाई साहब। सलार के अंदर ये वाला सीन तो आपको याद ही होगा, ये जो आंखें ऐसे दिखाते हैं ये ऊपर करके अपनी आंखों से एक्टिंग कर देते हैं, एंड व्हाट एक्टिंग बाय सलार। एंड वैसे यहाँ पर भी एकदम फाट कर दिया है। सो पृथ्वीराज यहाँ पर क्यों विलेन बनते हैं, सो आपको रोबोट मूवी, सॉरी हाँ रोबोट ही है ना, हाँ चित्ती वाली। सो आपको रोबोट मूवी याद होगी जहाँ पर रजनीकांत ऐसे अपनी रोबोट चित्ती को ऐसे इंडियन आर्मी को ऐसे सबको दिखाते हैं, इसका नाम चिट्टी है एंड ये सब चीज कर सकता है ऐसी यहाँ वहाँ की चीज। एंड वहाँ पर चिट्टी ने फूल देकर सब खराब कर दिया था। साना मशीन को प्यार करने पर मजबूर करने वाले हंसी। वैसे पृथ्वीराज भी अपनी ऐसी कुछ चीज दिखाते हैं, वो नहीं बताऊंगा मैं क्या है, लेकिन AI से रिलेटिव है कुछ ऐसे दिखाते है, जो कि इंडिया वालों को ऐसे कुछ पसंद नहीं आता। एंड पृथ्वीराज की सालों की मेहनत रहती है उसके पीछे। फिर भाई साहब पृथ्वीराज जो यहाँ पर करते हैं, जो वो बंदा बदला जो करने का मतलब क्या ही बताऊं, एक नंबर चीज रहती है वहां पर। और अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो ये जो मैंने बताई ये स्टोरी है, इसी से रिलेटेड पूरे से स्टोरी घूमने वाली है। स्टोरी कुछ खास नहीं है इसकी, लेकिन भाई साहब अगर इसके एक्शन की बात करें बाप लेवल एक्शन इसके अंदर है। और भाई अक्षय कुमार चलो टाइगर श्रॉफ बनता है, वो अभी 30 साल का लौंडा है, चलो यहाँ वो कूद लेगा गुलाटी मारेगा, लेकिन अक्षय कुमार इनसे दोगुनी उम्र के हैं, लगभग 60 साल का बंदा, सॉरी कितने के वैसे अक्षय 58 के अराउंड है ना भाई। यार इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी उछल कूद यहाँ वहाँ इतना करते हैं, सब मतलब हिल जाते हैं देखकर। मेरे यहाँ थिएटर में लोग ऐसे तालियां बजा रहे थे इनके लिए। एंड डायरेक्टर ने यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन की है अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की, वो काफी सही थी यहाँ पर, उसकी तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर मैं। एंड शायद यहाँ पर एक और चीज है जो कि शायद से इतनी बड़ी भी नहीं है, इसलिए मैं उसको शायद से भूल रहा हूँ। एंड यहाँ पर जो इसकी एक्शन है उसके पीछे जो BGM रहता है वो भी ऐसे काफी सही साउंड करता है। एंड साउंड इफेक्ट्स भी यहाँ पर काफी तगड़े हैं, मतलब गोली चली तो तुरंत वहाँ पर आपको आवाज आने वाली कानों पर, ऐसे हल्का सा भी लैग नहीं होगा। और अगर कॉमेडियन पर्सनल की बात करें तो यहाँ पर ऐसे काफी सारी चीज डाली गई है। ये लिटरली टाइगर श्रॉफ ने ये दिखाया अक्षय कुमार को। एंड एक सीन मेरे को याद है, वहां पर थोड़ी हंसी आती है, अपने जज्बातों को साइड में रख ऐसे कुछ होता है, अपने जज्बातों को साइड में रखकर नेशनल के बारे में बात करो ऐसे कुछ होता है, तो वहां पर ऐसे अपने जज्बातों को ऐसे साइड में रखकर ऐसे फिर नेशनल बारे में बात करते हैं, वहां पर ऐसी हंसी आती है थोड़ी बहुत। और भाई साहब अक्षय कुमार जानते हो आप लोग कॉमेडी के बाप है, इनके तरह कॉमेडी कर पाना आसान नहीं है भाई, मतलब कोई नहीं कर सकता ज्यादातर, बहुत ही हार्ड है। एंड टाइगर श्रॉफ कॉमेडी के लिए नहीं बने हुए हैं, यहाँ पर टाइगर श्रॉफ ने जबरदस्ती कॉमेडी करने की नाकाम कोशिश की है बार बार, लेकिन वो फेल हो जाते हैं वहां पर। अक्षय कुमार के आगे कॉमेडी में कुछ भी नहीं है। बड़ा कौन है? सो ओवरऑल ये मेरे को अच्छी मूवी लगी, मतलब गुड थी, अराउंड 10 out of 6.8 मैं इसको दूंगा। और इसको अगर आपको असली में एंजॉय करना है तो थिएटर के अंदर ही देखना, तभी आपको मजा आएगा। एंड आपको ऐसे एक्शन मूवीज वगैरह पसंद है तभी देखना, नहीं तो पगला जाओगे, आपको बिल्कुल नहीं पसंद आएगी। अगर आप लौंडे हो, मतलब ठीक ठाक सख्त लौंडे हो, आपको ये सब पसंद है, तो आराम से जाओ देखो, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है, मजे आएंगे। एंड एक और चीज़ है जहाँ पर आपको ज्यादा मजा आएंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब भाई क्लिक करो, कब मजे आएंगे।